गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। प्रैक्टिस के लिए है अनसीन पैसेज 1। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ईच। एक पैसेज दिया है, पद्यांश दिया है, जो सेंटेंस वाइज है उसको पढ़ना है पढ़के, और कुछ यहाँ प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। बुक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, दे नेवर चीट द रीडर। बुक्स आर द गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, वी गेट नॉलेज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वी कैन रीड बुक्स ऑफ our taste, they enlighten our hearts and we use goal to face the realities and difficulties of life. We can find everything in books. By reading books, we can be in the company of great writers. To the post, we can make this world a better place to live in. Books are the lifeblood of great masterminds. We can never deny their utility. As the first question is, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज यूजफुल टू अस। तो फर्स्ट आया है इसका बुक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। देन सेकंड, हु डू दे नेवर चीट, तो आ जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। दे नेवर चीट द रीडर बुक्स। नेक्स्ट, हूज बेस्ट कंपेनियन आर बुक्स, तो उसका राइट आंसर है, देखिए थर्ड का जो आंसर है आपको उसके पैसेज के बाद जो है उसका आंसर आपको ये देख लीजिए, देखने मिलेगा, ये आंसर्स लिखे हैं, आप इन सारे सक्सेसेस से पढ़िए, ठीक है। आंसर इन प्रैक्टिस, आंसर इन पैसेज नंबर 2। विलेजर्स फ्रॉम फार एंड नियर कम टू सी द पेरेंट ग्रुप्स टू पे देयर होमेज दैट दे गो अप टू टेंपल सिंगिंग एंड डांसिंग accompanied by drums, they are the myth and gaiety all around. The toy shops draw the maximum crowd. There is a great rush and at each shop, games like kabaddi and races of camels are seen in progress. The winner is honored with handsome prizes, snake charmers, jungles and rope dances are the lord. अब ये आपको अनसीन पैसेज नंबर 2, ये आपको क्या करना है, रीड करना, ठीक है, पढ़ना है, पढ़कर उनके शब्दों के जो उत्तर हैं ये आपको यहाँ क्वेश्चन जो है वो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हु कम टू सी द फेयर, मतलब विलेजर्स फ्रॉम द फेयर एंड नियर कम टू सी, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओके। सेकंड, वेयर डू विलेजर्स कम फ्रॉम, तो क्या आएगा, कम फ्रॉम टू सी फेयर इन ग्रुप्स, सेकंड इज द राइट आंसर। फिर थर्ड, व्हाई डू दे गो द टेंपल, ओके, तो टेंप इसमें फिर से आपको ढूंढना है, ढूंढ के या फिर ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू दे डू व्हाइल गोइंग टू द टेंपल, व्हाट इज देयर ऑल अराउंड, what does the find to each shop, what are the games in the fair, who is honored there, aur uske baad the winner is honored there, is the right answer is it, ye jo aapke answers hain iske paragraph ke aage jo slide hai usme answer aapko diye hain, aap unko acche se padh lo, theek hai na, ye bachcho ye right answer hai। ab sirf unseen page ki kya karenge, passages ki practice karenge, likhne ki karenge, आप इसको नोटबुक में नोट करिए, लिखिए और उसके आंसरों को प्रॉपरली लिखिए, स्पेलिंग सही।